अस्सलामु अलैकुम। इस ताले को खोलने के लिए एक कोड चाहिए और ये कोड तकरीबन 20 साल से ऊपर के लड़के आराम से इसको खोल सकते हैं। तो पहले इस कोड को क्रैक कर लें और फिर इसको कमेंट्स में दे दें आंसर, और मेरा आंसर फिर एंड में चेक कर लें। तो पहले वीडियो स्टॉप कर लें ताकि आराम से इसका हल कर सके और इसका कोड फाइंड कर सके आप, क्योंकि इसमें चार कोड हैं। तो इसका आंसर है 164। आसानी के लिए ये चार कोड को हमें नंबर दूंगा। तो पहले हम कोड नंबर 1 पे जाते हैं। उसके साथ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है 1 नंबर इज करेक्ट एंड वेल प्लेस्ड, एक नंबर जो है वो सही है और अपनी जगह पे है। तो इससे तो अभी हमें पता नहीं चलता कि 3 होगा, 6 होगा या 8 होगा। तो आइए चलते हैं, हम पहले दूसरे इक्वेशन में जाते हैं, उसमें देखते हैं। दूसरे इक्वेशन में 387 है, दूसरे कोड में 387 है और इस कोड के साथ डिस्क्रिप्शन में लिखा है नथिंग इज करेक्ट। इसका मतलब ना 3 है, ना 8 है, ना 7 है, इसमें कोई भी सही है दुरुस्त नहीं है। तो चारों कोड है, इस चारों कोड में से 387 को हम हटा देंगे। अब 387 को हमने हटा दिया, तो पहले क्वेश्चन में हम जाते हैं तो एक नंबर जो करेक्ट था और वेल प्लेस था वो हमारे पास हो गया 6। तो एक टीचर तो हमें कोड का पता चल गया है। तो हम तीसरे कोड की तरफ जाते हैं। तीसरे कोड में डिस्क्रिप्शन में दिया है 1 नंबर इज करेक्ट, एक नंबर दुरुस्त है बट रॉन्गली प्लेस्ड, लेकिन गलत जगह पे रखा हुआ है। तो हमें पता है कि 6 को हमने गलत जगह पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 जो है इसको हम हटा देंगे, वो कोड में शामिल नहीं होगा, जबकि 6 बीच में आ जाएगा। उसके नंबर लास्ट जो 4 नंबर का कोड है उसमें डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर आर करेक्ट, 2 नंबर सही है बट रॉन्गली प्लेस्ड, इसका मतलब जो 4 है 4 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह 4 आ जाएगा। यानी वो कहता है कि 2 नंबर ठीक है लेकिन वो अपनी सही जगह पे नहीं है। तो इसका कोड इस तरह बन जाएगा, फिर पहले 1, 6 फिर 4।